फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, गम रिसेशन क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है और उसके गम रिसेशन के कॉजेस क्या होते हैं, ये सब हमने डिटेल में गम रिसेशन के बारे में देखा था, ठीक है। तो आज मैंने उसी वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि गम रिसेशन ना हो या फिर जो प्राइमरी स्टेज में है उसके लिए क्या क्या होम रेमेडीज है अवेलेबल, उसके ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि अगर आपका गम रेसेशन हो रहा है, गम रेसेशन या हो रहा है मतलब क्या कि आपका जो मसूड़ा का लेवल है वो नीचे जा रहा है, आपकी जो दांतों की लेंथ है वो ज़्यादा हो गई है, आपको सेंसिटिविटी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी या फिर वहाँ पर ठंडा गर्म लगने की कुछ भी तकलीफ़ है, तो फिर आपका गम रेसेशन हो रहा है ऐसा आप मान सकते हो। लेकिन क्या है ना, अगर वो प्राइमरी स्टेज में है या फिर आपको स्वेलन गम्स है, जैसे कि या फिर मसूड़ों से खून आता है या फिर उस पर थोड़ी सूजन है, अगर ये सब स्टार्टिंग फेज में है तो आप, मैं जो आपको होम रेमेडीज़ बता रहा हूँ उससे ये क्योर हो सकता है ना। लेकिन ये मॉडरेट या सीवियर केसेस में होगा तो उससे वो क्योर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी और फिर शायद वहाँ पे आपको डेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर प्राइमरी स्टेज में है तो मैं जो कुछ आज आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने वाला हूँ उससे ये काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक। चलिए शुरू कर दें। आज की जो पहली घरेलू उपचार मैं बताने वाला हूँ आपको वो है सिंपल गार्गल, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है, उसमें हाफ स्पून सॉल्ट लेके आपको उसमें डालना है और उसको अच्छे से शेक करके उससे सिर्फ गार्गल करने हैं। एक अगर आप 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू गार्गल करते हो तो उससे आपके जो फूले हुए मसूड़ा है वो काफ़ी हद तक आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगी और फिर अगर मसूड़ों से खून भी निकलता है तो वो भी अच्छे तरीके से रिकवर हो जाएगा, अगर ये प्राइमरी स्टेज में है तो, ठीक है। तो अगर ये इसका प्रयोग अगर आप 8 से 10 दिन करेंगे तो फिर आपको राहत मिल सकती है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर के साथ हम गार्गल क्यों करेंगे, इसका जो बेनिफिट है वो भी बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं या फिर बैक्टीरिया विच कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स उसको वो किल कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप वार्म वाटर और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेके अगर गार्गल करोगे तो आपका इन्फ्लेमेशन कम होने में वो काफ़ी मदद करेगा, ठीक है। दूसरी होम रेमेडीज आती है मसाज विथ एलोवेरा जेल, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है एलोवेरा का जो जेल है, जो उसका एक्सट्रैक्ट है, वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जा सकता है, उसमें एंटी बैक्टीरियल एज वेल एज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अगर आप उस वो जो जेली आती है फिंगर पे लेके हल्का सा आपके मसूड़ों को मसाज करोगे तो काफ़ी हद तक आपको मसूड़ों को आराम मिल सकता है। ये अगर आप हेल्दी मसूड़ों में भी करोगे तो जो भी मसूड़ों में इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और अगर आपका प्राइमरी स्टेज में जिंजिवाइटिस है, मतलब इन्फ्लेमेशन है, तो फिर एलोवेरा इस केस में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से रिज़ल्ट आपको दिखाएगा, ठीक है। तो सेकंड होम रेमेडी जो है वो एलोवेरा जेल है और एलोवेरा तो बहुत कॉमन है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। और एलोवेरा जेल का और एक अच्छा खासा यूज़ है कि आप जब उसको मसाज करोगे तो इट सूथन्स द जिंजाइवा और इट रेगुलेट्स द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द जिंजाइवा, जो अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है जिसके कारण अपना जो मसूड़ा है वो पिंक कलर का या फिर गुलाबी कलर का जिसको बोल सकते हैं वो दिखता है रेडिश कलर का, तो वो भी उसका जो कलर है वो अच्छा दिखने लगेगा। अभी थर्ड पॉइंट है, थर्ड होम रेमेडी है कि मेंटेन योर प्रॉपर गुड ओरल हाइजीन। तो अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करोगे, मतलब क्या करोगे, मतलब आप सुबह शाम पे अच्छे से ब्रश करोगे या खाना खाने के बाद अच्छे से गार्गल करोगे, कोई भी फूड पार्टिकल अंदर ना फंसे इसके केयर लोगे, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको या तो गम इन्फ्लेमेशन हो ही ना
या फिर अगर गम इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वो रिकवरी में, मतलब वो रिकवरी स्टेज में बहुत फास्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको दूसरे कुछ चीज़ जैसे कि मेडिकेशन वगैरह लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप अगर प्रॉपर ओरल हेल्थ मेंटेन करोगे तो फिर इसका भी रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा तरीके से दिखेगा। अभी चौथा घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, यूज़ ऑफ डेंटल फ्लॉस और प्रोक्सा ब्रशेस। अभी डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एक थ्रेड ही रहता है जिससे आप दोनों दांतों के बीच में जो भी गैप है या फिर जो भी फूड पार्टिकल डेब्रिस फंस गए हैं उसको आप क्लीन कर सकते हो। या तो प्रोक्सा ब्रशेस का भी सेम ही काम है, सिर्फ वो जहाँ पे ट्रायंगुलर गैप है, जैसे कि पीछे की जो दाढ़ रहती है जो वहाँ पे जो ट्रायंगुलर गैप क्रिएट हो जाता है, तो वहाँ पे आप प्रोक्सा ब्रशेस यूज़ करके वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हो। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको ये ईजीली अवेलेबल हो सकता है। जो फिफ्थ होम रेमेडी है उसमें अपन हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। अपने घर में जो हल्दी रहती है उसका यूज़ करके आपको एक पेस्ट बनाना है और वो पेस्ट आपके मसूड़ों पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो पेस्ट आप कैसे बनाओगे, तो हाफ स्पून हल्दी लोगे, उसमें या तो क्लो ऑयल या फिर यूकेलिप्टस ऑयल, दोनों में से जो भी अवेलेबल रहेगा वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ऊपर वीडियो दिखा रहा हूँ, तो उस प्रकार से आपको उसका पेस्ट बनाना है। उसके बाद तुलसी के 2 से 3 पत्ते लेने के हैं, उन सब का मिक्सचर करना है, सबको थोड़ा सा ग्राइंड करना है, और उसके बाद जो भी उसका पेस्ट बनेगा वो आपके मसूड़ों पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के 8 से 10 मिनट के बाद उसको वॉम वाटर से फिर से गार्गल करना है अच्छी तरीके से। ये भी एक होम रेमेडी है जो कि बहुत असरदार है। अगर आपके सूजे हुए गम्स है या फिर ब्लीडिंग होती है गम्स में से या फिर बदबू भी आती है मुंह में से, तो भी ये होम रेमेडी बहुत यूज़फुल है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर से एक बार बताता हूँ कि ये सिर्फ प्राइमरी स्टेज में आपको इसके रिज़ल्ट आएंगे। अगर आपका मॉडरेट या सीवियर स्टेज रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गम में से खून निकलता है या फिर बहुत ज़्यादा सूजन है गम में से, आपको तकलीफ़ है, पेन है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लीजिए। मैंने पूरे जो भी होम रेमेडीज़ आपको बताया हूँ वो आप 8 से 10 दिन तक यूज़ करके देखिए। अगर आपको कुछ उसमें सुधार लगता है, कुछ रिज़ल्ट आता है, तो फिर वो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि गम रिसेशन या फिर स्वोलन गम्स या फिर ब्लीडिंग गम्स, जो भी मसूड़े का प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगा। अगर ये सब करने के बावजूद अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आपको डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।